और अगर शॉर्ट टर्म क्रॉप है तो दो शॉर्ट टर्म क्रॉप का पीरियड जाना चाहिए। सपोज कीजिए शॉर्ट टर्म क्रॉप का पीरियड 8-8 महीने का, तो 16 महीने हो गए, फिर वो 32 महीने बाद वो जाके एनपीए हो सकता, उससे पहले एनपीए नहीं हो सकता। तो बहुत ऐश की बात है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद कोई ना कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाएगी, इसी में लिखा हुआ। देखिए इस साल तो मौसम अभी मार्च में देख लीजिए, ऐसा मौसम कभी था नहीं कि आप सूट पहन के घूम लें। दिल्ली में तो कम से कम हमने ऐसी मार्च कभी देखी नहीं कि होली के बाद आपको सूट पहनने पड़ रहे, और ज्यादा जरूरत पड़ी। जितना डिजास्टर इस बार हुआ क्रॉप का, उतना कभी हुआ नहीं, मतलब कि कम से कम मार्च में तो नहीं हुआ। अब अगले साल जब आप ऑडिट करने जाओगे, इन सब की कैपेसिटी इंपेयर्ड है। और प्रोडेंशियल नॉर्म ये कहती है कि भाई अगर कैपेसिटी इंपेयर हो जाए फार्मर की, तो बैंकर या तो खुद या स्टेट गवर्नमेंट ये कहते हैं कि भाई ये एरियाज में नेचुरल कैलेमिटी हिट एरियाज हैं और इनको आपको रिलीफ देना बनता है, तो आप उनको रिलीफ दे दीजिए। रिलीफ क्या देंगे? रीस्ट्रक्चर कर देंगे अकाउंट को। अब वो रीस्ट्रक्चर आप कितनी भी पीरियड का कर लें, क्योंकि आपको जब लगता है भाई एक साल बाद इसकी कैपेसिटी ठीक होगी तो आप एक साल का कर लो, दो साल का लगता है तो दो साल का कर लो, तीन साल का लगता है तो तीन साल का कर लो। उसमें कोई ये पीरियड नहीं बताया उन्होंने कि कितने पीरियड के लिए रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है। जब वो पीरियड रिस्ट्रक्चर का निकला है, उसके बाद फिर एक क्रॉप का पीरियड दोगे आप, फिर जाके आप एमपीए करोगे, नहीं तो एमपीए नहीं होगा। इट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। और एग्रीकल्चर की वजह से बैंक कोई नहीं डूबा, बैंक डूबे दूसरे अकाउंट्स की वजह से, क्योंकि आप 50,000 के अकाउंट से थोड़ी ना बैंक डूबा कोई 50,000 लाख की वजह से। ये तो 400 करोड़, विंसम डायमंड अकेले ही 24,000 करोड़ है जो फ्रॉड हुआ। सेंट्रल बैंक लीडर किंग फिशर के बारे में मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। मल्ल्या साहब, अभी मैंने जो आपको बताया वो वेट वाला, वो 400 करोड़ का है बैंकिंग को, तो कितने अकाउंट ऐसे मिलेंगे तो बनेंगे। तो बैंकिंग इज इन ए डिफरेंट शेप ऑल टुगेदर फॉर डिफरेंट रीजंस। रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर, और ये एक बात का इसमें सिर्फ ध्यान रखिएगा एग्रीकल्चरल एडवांसेस में, कि जब स्टेट किसी एरिया को डिटरमिन करेगी नेचुरल कैलामिटी हिट एरिया, तो सिर्फ उसी एरिया को करना है। आपने लोन दे रखे किसी और एरियाज में, उनको नहीं आप कर सकते रीस्ट्रक्चर। उनको तो फिर जो आपका पीरियड गुजर गया वो गुजर गया, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और इसमें बड़ा उन्होंने क्लियर कहा कि अगर आपने कोई रीस्ट्रक्चरिंग में मॉरेटोरियम दिया हुआ है इंटरेस्ट का, पेमेंट का, तो वो आप इंटरेस्ट अक्रू कर सकते हैं। यू कैन कीप ऑन अक्रूइंग द इंटरेस्ट विदाउट एनी प्रॉब्लम, देयर इज एब्सोल्युटली नो इश्यू ऑन दैट। फ्रेंड, दीज आर विद रिगार्ड टू सर्टेन एडवांसेस ओनली। आई कैन कीप ऑन गोइंग फॉर सर्टेन अदर, बट आई थिंक ऑल गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड, बट आई विल टच अपॉन सम मोर इश्यूज, few issues with regard to long form audit report, few issues with regard to Ghosh Jilani committee report before I sit down. और उसके बाद आप जो भी question पूछना चाहें आप पूछिए, मेरी को आता होगा तो बता दूंगा, नहीं आता होगा तो हाथ खड़ा कर दूंगा। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में देर आर सर्टेन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन उसमें यह है कि भाई कोई आपने डाइवर्जेंसेज नोट की हैं। डाइवर्जेंसेज क्या हैं? कि एडवांसेस बढ़ गए, इंटरेस्ट इनकम कम हो गई, एडवांसेस कम हो गए, इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई कंपेयर टू द लास्ट ईयर, डिपॉजिट्स बढ़ गए, इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो गया, डिपॉजिट्स घट गए, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया। और अगर ये आपने नोट किया है तो क्या आपके पास सूटेबल एक्सप्लेनेशन है कि ये क्यों है, ये क्या है? अगर मैं ऑडिटिंग लैंग्वेज में पूछूं, कंप्लायंस जिसको आप बोलते हो, एक तो सब्सटेंटिव चेक्स होते हैं आपके, एक आप कंप्लायंस टेस्ट करते हो जाके, ये वो है कि भाई ऐसे ऐसे निकले जहां पे लेजर के लेजर पे इंटरेस्ट नहीं लगा डिपॉजिट्स में, हम जिसको सीबीएस सिस्टम बोलते हैं।
द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ड्राइव यू होम इज इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपके एडवांसेस बढ़े पर इंटरेस्ट इनकम आपकी कम हो गई, आपका एनपीए लेवल बढ़ गया इस साल में. देयर आर सर्टेन मेजर अकाउंट्स व्हिच हैव गॉन एनपीए, तो वो आपका एडवांस में तो आएगा ही ना एनपीए भी, पर आपकी इनकम कम हो जाएगी क्योंकि उनपे आप इनकम बुक नहीं कर सकते. और एडवांसेस कम हो गए और इनकम बढ़ गई, आपने सेटलमेंट कर ली किसी से पिछले साल में जो एनपीए था अकाउंट, और इस साल में उसकी इंटरेस्ट इनकम खूब आ गई आपको. देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी एबल टू डू इट. आपके डिपॉजिट बढ़ गए और इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हो गया, आपके फिक्स डिपॉजिट्स थे वो मैच्योर हो गए और ऑटोमेटिक रिन्यूअल पे है नहीं, तो बजाय उसको टर्म डिपॉजिट रेट देने के आपको आप सेविंग बैंक इंटरेस्ट दे रहे हो, आप सिर्फ उन पे बुक कर रहे हो. और डिपॉजिट्स कम हो गए और आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ गया कि जो पिछले सालों में आप सेविंग बैंक इंटरेस्ट दे रहे थे जिन फिक्स डिपॉजिट पे, उन्होंने आके कहा रिन्यू करो मेरा तो पिछली डेट से, और आपने रिन्यू कर दिया, उन सालों का भी आपको इंटरेस्ट अब देना पड़ रहा है. बिलीव मी, अगर मैं ये नहीं पूछूं एज एन ऑडिट कमेटी चेयरमैन आई कैन नॉट इवन नो व्हाट इज हैपनिंग. हम तो फिगर्स ही ये मांगते थे कि लेके आओ रिकनसाइल करके लो कि लास्ट क्वार्टर में हर 15 दिन बाद डिपॉजिट कहां बढ़ा, एडवांस कहां बढ़ा, डिपॉजिट कहां कम हुआ, उससे हम पकड़ते थे विंडो ड्रेसिंग किसने की. और कोई तरीका नहीं आपके पास. दैट इज द रोल ऑफ द ऑडिटर. आपको भी जब ब्रांच में जाओ आप बोलो जी हर 15 दिसंबर के बाद जो 15 दिन है उसकी फिगर्स दे दो मुझे, फोर्टनाइटली फिगर्स, और वहां पे अगर बढ़ती और घटती है कोई चीज उसके रीजन पूछ लीजिए कि क्या है, आपको पता लग जाएगा. एंड इफ यू डोंट डू दिस इट इज नॉट ड्यू डिलीजेंस, बिलीव मी. वो फोर्टनाइटली कितनी है, 6 फोर्टनाइटली तो देखनी है, 6 फोर्टनाइटली देख लीजिए प्लीज, गौर फरमाइए उसके ऊपर, आपको कई चीजें मिलेंगी उसमें. विंडो ड्रेसिंग के लिए आपको काफी चीज मिल सकती है. आपको पता लगा लास्ट डेट में सडनली एडवांस बढ़ गया और डिपॉजिट भी बढ़ गया, किसी ने चेक जमा करवाया आपने डिस्काउंट कर दिया, उसने रिक्वेस्ट भी नहीं की हुई कि मेरा डिस्काउंट करो चेक, आपने डिस्काउंट करके डिपॉजिट में भी डाल दिया और एडवांस में खड़ा कर दिया, और 2 दिन बाद रिवर्स हो गया वो, पार्टी ने तो रिक्वेस्ट की नहीं. और जिसने ऐसी डिस्काउंटिंग के ऊपर डिस्काउंटिंग चार्ज नहीं लगाया और वेव कर दिया वो डेफिनेटली विंडो ड्रेसिंग का पार्ट. And the RBI says you cannot even waive this discounting charge under any circumstances. And you cannot discount any check or any bill without the consent of the party. Party ki consent, party ki request hona zaruri hai uske liye under those circumstances. Another point friends that one will like to talk of is jab mera bachcha jata na audit ke liye, main usko kehta hoon beta jaate cash check kar lena. बच्चा भी बड़ा खुश होता है यार बैंक का कैश चेक करना, पिताजी ने तो कभी करने नहीं दिया. वो जाती बैंक मैनेजर के कैबिन में कैश चेक करवाओ, कहते यार बैठ जा जूस पी ले थोड़ी देर, कैश चेक करवा दूंगा, अभी बैंकिंग आवर्स हैं अभी नहीं करवा सकता. नहीं नहीं नहीं, नहीं। मेरे प्रिंसिपल ने आदेश दिया और मुझे उनकी आज्ञा का पालन करना. ऑफिस में सारा कभी मेरी बात नहीं सुनी उसने, जो मर्जी कह लो उसको, कभी उसको कहो 11 बजे आए तो आएगा 1 बजे, और ब्रांच मैनेजर को जाके कह रहा जी मैंने आदेश का पालन करना. उन्होंने कहा कैश चेक कर लेना जाती एकदम से. वो 5-4 बार उसने कहा, उन्होंने कहा जाके चेक कर ले भैया कैश, जा कोई दिक्कत नहीं. कैश चेस्ट में घुसे, अब कैश चेस्ट में घुसते ही एक तो ठंड सी नजर आती है वहां पे, होता है ठंडे इलाके में, आंखें खुली की खुली, आगे कैश पीछे कैश ऊपर कैश नीचे कैश, इतना कैश सीए के ऑफिस में देखा नहीं होता बेचारे ने कभी जिंदगी में. उसके बाद कैश काउंट करना शुरू किया, तो जिस स्पीड से काउंट कर रहा, अरे भैया तूने सिर्फ 20 या 15 चेक काउंट करने हैं, बाकी तू उसको दे दे फोल्ड करके कि तू क्या. वो खुद तो 80 काउंट करता, 20 उसको देता. अच्छा जितनी स्पीड से वो कर रहा होता वो पहले ही देख लेता इसने कितने काउंट किए. वो कहता है काउंट करके कहता 20 है, और तो भगवान है यार कमाल हो गई कि मैंने अभी दिए भी नहीं तब भी बता दिया 20 है, उसने तो तुम्हारी स्पीड पकड़ दी. अरे यहाँ तो बच्चे को भेजो बता के कि भाई छुपा के करना है काउंट, उसके सामने ही काउंट करोगे तो तुम्हारी जितनी स्पीड है वो तो पढ़ते नहीं से पकड़ लेगा कितना आपने काउंट किया.
खुदा ना खास्ता कोई गलती मिल जाए, 500, 5000, 10000, 20000 की कैश शॉर्ट गड्डी में मिल सकती है शॉर्ट। आरबीआई वाले टाइम एंड अगेन रिपोर्ट करते हैं भाई आपकी गड्डी में दो नोट शॉर्ट आए, और वो 10 वाली में कभी नहीं होता, होता वो 1000 और 500 वाली में ही, ये आपको और बता दूंगा। आरबीआई वालों की रेगुलर आप उठा के देख लेना, जो उनकी करेंसी चेस्ट में आप डिपॉजिट करवाते हो, यू प्लीज पिक अप द रिपोर्ट्स, आपको मिलेगा कि भाई आपके यहां से इतना कैश शॉर्ट आया। अब सपोज करो आपकी गड्डी में मिल गए उसको पांच नोट 1000 के कम है, अब बस पूछो मत, उसकी खुशी का ठिकाना मत पूछो, वहीं पे बैठे बैठे फेसबुक और व्हाट्सएप पे आज एक मैनेजर रगड़ दिया, और शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद ऑल अदर्स, जितने फ्रेंड्स को, उतने की गलती नहीं पकड़ी जितना अपना मोबाइल का बिल बढ़ा दिया वहीं पे बैठे बैठे, कि भैया सबको इन्फॉर्म कर आज रगड़ दिया एक ब्रांच मैनेजर। अरे भाई तूने 5000 की गलती पकड़ी तो 5000 की गलती, इससे ऊपर की कोई गलती नहीं है, मैक्सिमम लॉस बैंक को 5000। देयर इज समथिंग एल्स ऑन विच द बैंक लॉस कैन बी समथिंग विच यू इवन डोंट नो व्हाट विल बी द लॉस, ब्लैंक पे ऑर्डर्स, वैल्यूड स्टेशनरी जिसको आप बोलते हो, वैल्यूएबल स्टेशनरी आइटम्स, ब्लैंक गिफ्ट चेक्स, ब्लैंक ट्रेवलर चेक्स, उनको आप देखते नहीं। और लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में क्वेश्चन है उसके ऊपर, बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है, आरबीआई इंस्पेक्टर और मेरा कंकरेंट ऑडिटर, मेरा इंटरनल इंस्पेक्टर लिखता है 5 पे ऑर्डर मिसिंग है। पे ऑर्डर अगर एक मिसिंग हो ना तो ये नहीं पता कितने का लॉस होगा, कितना भर के कहां पे डेबिट हो जाएगा मुझे, उसका मैं कहता नहीं बच्चे को कि जाके वेरीफाई कर लेना। फॉर गॉड्स सेक टेल द चाइल्ड कि भाई ये जरूर वेरीफाई करना, और वर्किंग पेपर में सारे नहीं करने, हर एक चीज का कुछ ना कुछ चेक कर लो, पे ऑर्डर का, ट्रेवलर चेक का, गिफ्ट चेक का, और आपके चेक बुक्स का कुछ ना कुछ जरूर चेक कर लो, और उसका सीरियल नोट कर लो अपने वर्किंग पेपर में कि ये हमने चेक किए थे, और जो चेक करो उस पे लिख के आओ, साइन करके आओ चेक्ड एंड फाउंड करेक्ट, इफ फाउंड करेक्ट, और अपनी राउंड स्टैंप लगा के आओ उसके ऊपर। इट इज अ मस्ट, इट इज नॉट समथिंग विच इज ऑप्शनल, ये मैंडेटरी है, नहीं तो आप कमेंट ही नहीं करते कर सकते उसके सिस्टम के ऊपर। अनदर क्वेश्चन विच हैज बीन रेज्ड इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इज कि भाई बैंक का रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक की कंफर्मेशन, जो बैंक दूसरे बैंक्स के साथ बैलेंसेस मेंटेन करता है, या रिकंसिलिएशन है जो उसके बैंक के हैं, वो हैं या नहीं है? मेरा आंसर है बिल्कुल है जी, दोनों हैं। अरे रिकंसिलिएशन तो है, रिकंसिलिएशन 30 पेज का है, उसमें एंट्री स्क्रूटिनाइज की, अगर मेरी एंट्री इंटरेस्ट नेचर की है, आरबीआई डेबिटिंग द इंटरेस्ट टू द बैंक, एसबीआई डेबिटिंग द इंटरेस्ट टू द बैंक, और आरबीआई में इनवेरिएबली मिलता है जब आप करेंसी चेस से उनके पैसा लेते या देते हो, जो लेट रिपोर्टिंग है उसका वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और पठानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है इफ यू रिपोर्टेड लेटर देन 48 आवर्स। मैं उसको देखते ही नहीं, उसका एमओसी जाना चाहिए, इट्स एमओसी मस्ट गो। You are doing in 96, one of the Janpad branches of a bank. मैं बैंक का नाम हमेशा अवॉइड कर जाता हूं देना आपको, बिकॉज दैट्स नो गुड। यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर ब्रांच, तो हमें एक एंट्री मिली, एज द लक वुड हैव इट, द एंट्री वॉज 3.10 crores, आरबीआई डेबिटिंग द इंटरेस्ट, और वो 2 साल से चल रही थी एंट्री, तो हमने नेचुरली कहा भी हम इसका एमओसी देंगे, नहीं जी डिस्प्यूटेड है ये एंट्री हमारी आरबीआई के साथ, हमने कहा डिस्प्यूट दिखा दो। फाइल देखी, उसके अंदर लिखा हुआ कि 75% हम मानते हैं कि हमने देना है, तो हमने कहा भैया 75% की एंट्री तो डालो, कह लगे 75% की डालनी तो पूरे की डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड दे टुक द एमओसी फॉर द फुल अमाउंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, अ पर्टिकुलर ब्रांच 3 crore 10 lakh 96 में, कैन यू इमेजिन एन अमाउंट, एंड द ब्रांच देन एग्रीइंग हां जी डाल दीजिए अब एमओसी, बैंक ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी हिल जाए पूरी की पूरी और नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू में आ जाए। आई थिंक जहां जहां पे रिकंसिलिएशन में इंटरेस्ट की आइटम्स है, रेवेन्यू नेचर की आइटम है, प्लीज फॉर गॉड्स सेक ब्रिंग इट बाय वे ऑफ द एमओसीज, चाहे इनकम हो या एक्सपेंस हो। और दूसरा,
कैन यू थिंक ऑफ रिकंसिलिएशन में ये पढ़ाओ कि कैश डेबिटेड बाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नॉट क्रेडिटेड बाई मी, या कैश डेबिटेड बाई मी इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बट नॉट क्रेडिटेड बाई देम, अगर ये एंट्रीज हो तो क्या होगा? इज इट ए रिकंसिलिएशन एंट्री और ए फ्रॉड एंट्री? अनरिस्पॉन्डेड कैश ट्रांजेक्शंस, और मैं ये कहूं जी रिकंसाइल्ड, रिकंसिलिएशन से मुझे कुछ नहीं लेना. प्लीज लुक एट द नेचर ऑफ द एंट्रीज विच आर देयर इन द रिकंसिलिएशन. और अगर रिकंसिलिएशन में एंट्रीज हैं जो सीरियस नेचर की हैं, फॉर गॉड सेक प्लीज इश्यू एमओसी. और अगर फ्रॉड नेचर की हो तो फिर तो कहना क्या, फिर मुझे कुछ उसके ऊपर आपको बताने की आवश्यकता नहीं है. कंफर्मेशन, इंग्लिश इज नॉट अवर मदर टंग, मैं बार बार बोलता हूं, हमारी मातृभाषा तो है नहीं इंग्लिश, पर इंग्लिश लिखने में हमें मजा जरूर आता. हमारे यहां तो एप्लीकेशन भी लिखी जाती है, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि भाई डियर सर टुमारो आई हैव टू गो एंड अटेंड ए क्रीमेशन, आई मे नॉट रिटर्न. भाई वो भी कहते चल छुट्टी दे दी तुझे. और कई बार तो हम लोग बहुत ही, जो जेंट्स हैं ना, वो बहुत अच्छी चीज लिखते हैं, ऊंची चीज लिखते हैं. डियर सर टुमारो आई हैव टू गो टू हावड़ा टू डिस्पोज ऑफ द लैंड अलॉन्ग विद माई वाइफ. आप इंग्लिश देखो क्या बढ़िया, टू डिस्पोज ऑफ द लैंड अलॉन्ग विद माई वाइफ. वो भी कहता नेक काम करने जा रहा, छुट्टी ले जाए यार, कोई बात नहीं. नो डिसरिस्पेक्ट अगेन टू एनी लेडी, इट्स ऑल इन द लाइटर वेन. What one is trying to tell you is, ऐसे confirmation आपको मिलेंगे, मेरा manager लिख रहा दूसरे को, your balance in my books of account is rupees 5 crore, kindly confirm. और दूसरा अपनी मोर उठा के कहता confirm. मैंने पूछा क्या उससे, I say your balance in my books of account is rupees 5 crore, kindly confirm. वो कहता बिल्कुल confirmed है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है. मैंने पूछना क्या उससे, मैंने पूछना व्हाट इज माय बैलेंस इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो पूछता नहीं. तो एक आधी बार लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा कंफर्मेशन की, कि कंफर्म उसका बैलेंस मेरी किताबों में हुआ या मेरा बैलेंस उसकी किताबों में हुआ. अगर मेरा बैलेंस उसकी किताबों में हुआ तो ठीक है, उसका बैलेंस मेरी किताबों में हुआ तो मेरे को कोई लेना देना नहीं. देन दिस कंफर्मेशन हैज नो मीनिंग एंड दैट्स मियर स्टेटमेंट हैज नो मीनिंग. वो लोग लाके स्टेटमेंट पकड़ा देते हैं ड्यूली ठप्पा लगा हुआ गोल, वो तो आजकल सब जगह लिखा रहता है भैया कंप्यूटराइज स्टेटमेंट नॉट ऑथेंटिकेटेड. आई एम नॉट इवन बॉदर्ड अबाउट दैट, इट हैज टू बी अ प्रॉपर कंफर्मेशन. लास्टली घोष जिलानी कमेटी रिपोर्ट, ये वो रिपोर्ट है जिसके ऊपर मैं कोई टाइम देता ही नहीं, 5 मिनट भी नहीं देता, सच्ची बात है. वो मुझे पकड़ाता है, वही बनाता है, वही बिगाड़ता है, मैं साइन करता हूं सिर्फ और अपनी स्टैंप लगा देता हूं उसके ऊपर. मैं इस बात को ये असर्टेन ही नहीं कर पा रहा कि घोष जिलानी में मेरी लायबिलिटी क्या है. हालांकि मैं एज ए प्रेसिडेंट ये कहता रहा आरबीआई को, अभी भी जो पैनलिस्ट की मैं बता रहा था पैनल डिस्कशन में, उसमें मैंने उनको बोला दिस रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेयर्ड बाई the concurrent auditor, it cannot be prepared by statutory auditor and it should not be signed by the statutory auditor under any circumstances. This is one matter on which the institute must fight with the Reserve Bank of India and RBI is likely to act in the matter. ये दिल से वह जानते हैं कि यह statutory auditor की report नहीं हो सकती. Questions पढ़िए उसमें, बड़े मजे मजेदार questions हैं. एक बात आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि जब आप घर से निकलें, ऑफिस से निकलें, ऑफिस से निकलते वक्त वो क्वेश्चंस पढ़ने पढ़ लीजिए पूरे, और जहां जहां आपको लगता है कि आप आंसर नहीं कर सकते वहां पे एस्ट्रिक लगा दीजिए और नीचे उसके लिखिए वी आर अनेबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, वी हैव बीन डूइंग इट फॉर एजेस माइंड इट, एंड व्हेन एवर आई से समथिंग आई से इट व्हाट आई डू, आई डोंट से समथिंग व्हिच आई डोंट डू. बोथ एज ब्रांच ऑडिटर एज वेल एज एज सेंट्रल ऑडिटर. हमारे यहां तो अगर ब्रांच ऑडिटर ने नहीं भी लिखा था तो भी हम कंसोलिडेशन में लिख देते थे कि उसकी भी लायबिलिटी कवर होगी, हमारी भी लायबिलिटी कवर होगी सबकी. वट इज इंपॉर्टेंट इज
कि अगर कोई व्यक्ति मेरे से ये कहता है घोष जिलानी कमेटी रिपोर्ट में, मेरे से क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि साहब जब क्लियरिंग के लिए चेक्स जाते हैं उस वक्त सिक्योरिटी गार्ड साथ में जाता है या नहीं जाता, तो मुझे क्या पता यार, हाउ डू आई नो, मैंने तो कोई बच्चा बाहर खड़ा किया नहीं भी क्लियरिंग के जब चेक जा रहे हैं, अब तो वैसे चेक जाने की जरूरत भी नहीं, क्वेश्चन इज आउटडेटेड, बट वाई शुड आई आंसर दिस क्वेश्चन। मेरे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितनी चेक बुक्स इशू हुई है इस ब्रांच के अंदर वो सब की सब रिक्विजिशन स्लिप्स के बेसिस पे हुई है जो चेक बुक्स के अंदर लगती रहती है, एक भी चेक बुक मेरी प्लेन पेपर एप्लीकेशन पे बेसिस पे नहीं होता कभी, हमेशा मेरे ख्याल 10% 20% जो है आप हमेशा प्लेन पेपर एप्लीकेशन लिख के देते हो, हमेशा रिक्विजिशन स्लिप खो जाती है, एंड वी कीप ऑन सेइंग यस, वी ऑलवेज राइट यस कि हाँ जी सारी की सारी जो चेक बुक्स हैं वो दीज आर इशूड बेस्ड अपॉन दी रिक्विजिशन स्लिप्स। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि जब कस्टमर एंटर करता है बैंक के अंदर वो मे आई हेल्प यू काउंटर पे जाता है या सीधा कैशियर से जाके गुफ्तगू में लग जाता, उसको गप्पों में लगाता, एंगेजेस हिम इन कन्वर्सेशन, ये वर्ड है एग्जैक्टली, और मैं ये कहता हूं मे आई हेल्प यू काउंटर पे जाता, अरे यार मे आई हेल्प यू काउंटर ही नहीं ब्रांच के अंदर गया काम वो, चलो मैं कहता हूं मे आई हेल्प यू काउंटर भी हो, मैंने कोई लड़का बाहर खड़ा कर रखा है क्या बच्चा जो ये देख रहा है वो कहां जाता है, एंड वाई शुड आई डू इट, इट इज नॉट नाउ माई जॉब, आई डोंट थिंक एज एन ऑडिटर आई एम सपोज टू डू इट, आई एम नॉट सपोज टू डू दिस पर्टिकुलर पार्ट एट ऑल, बट आई कीप ऑन डूइंग इट, आई कीप ऑन सर्टिफाइंग इट। वो मेरे से पूछता है कि जो पेपर चेकबुक पे ऑर्डर ट्रेवलर चेक में यूज हुआ है अगर उसके ऊपर कुछ लिखा जाए फिर केमिकल लगाया जाए तो वो अपना मार्क छोड़ देता, कभी आपने लगाया केमिकल उसके ऊपर जो आपको पता हो? मैं तो कभी लिख के भी नहीं देखा, तो हाउ कैन आई आंसर, ना मैंने लगाया ना मैंने देखा, या तो मैं लगाऊं और उसको मैं कहीं पे साइन भी करके आऊं कि मैंने ये किया है भाई बेस्ड अपॉन सम सैंपल, तब तो ठीक है। वो मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि जो व्यक्ति यहां पे अगले 3 महीनों में रिटायर होने वाला है ब्रांच में उसकी पावर्स विदड्रॉ हो गई या नहीं हो गई, आपने कभी किसी से पूछा कौन कौन रिटायर हो रहा, कि मैनेजर रिटायर हो रहा और आप उससे पूछ लो बुरा ही मान जाए जूस पिलाना ही बंद करते उस दिन से कि मेरे को रिटायर क्यों कर रहा है भाई, मैंने तो कभी किसी से पूछा नहीं, सच्ची बात यह है। वाई शुड आई आंसर दिस क्वेश्चन, दैट इज वाई आई से ये मेरे से ये सर्टिफाई करवा रहे हैं कि इस ब्रांच में फ्रॉड नहीं हो सकता, सारा कुछ हमने प्लग कर रखा फ्रॉड। वो मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि जितनी भी वाउचर्स हैं उनकी सबकी फिल्मिंग हुई हुई है, कहां से कह दूंगा यार, आई डोंट थिंक आई कैन से दिस। आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा, मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्यों मैं तो सिंपल क्वेश्चन ही बता सकता हूं आपको, प्लीज रीड दोज क्वेश्चंस, उसमें से जो आप आंसर कर सकें जो आपकी आत्मा को कष्ट नहीं दे, सच्ची बात है, इसमें तो लेवल ऑफ कंफर्ट यही है कि जब आत्मा पे बोझ नहीं बने कोई चीज, कि जब मैं ब्रांच के बाहर निकलूं साइन करके तो मेरे पे बोझ नहीं होना चाहिए दिल के ऊपर कि यार ये कोई अगर कल देखेगा तो क्या होगा, इफ आई फील कंफर्टेबल डू इट, इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल प्लीज इश्यू ए डिस्क्लेमर, नोबडी कैन चेक इट, और यू कैन से भाई जो चेक बुक्स की जैसे बात है बारिंग फ्यू केसेस लिख दो ना, बारिंग फ्यू केसेस एस्ट्रिक लगा के, हु स्टॉप्स यू टू डू दैट, क्योंकि दैट इज ए फैक्चुअल पोजिशन। आई कैन एश्योर इन नन ऑफ द ब्रांचेस 100% कैन बी इश्यूड अगेंस्ट द रिक्विजिशन स्लिप्स, और नहीं होता तो आपको लिखना चाहिए बारिंग फ्यू केसेस, बारिंग मोस्ट ऑफ द केसेस, बारिंग लार्ज केसेस, बारिंग सम केसेस, बारिंग सर्टेन केसेस, जो भी करना। फ्रेंड्स एवरी ऑडिट इज एन ऑनरस जॉब, और हर जॉब जो है वो कठिन है, कि आपको बता सकता हूं आने वाले समय में, एंड बैंक ऑडिट इज नो मोर गोइंग टू ग्रो इजी, इट इज गोइंग टू ग्रो डिफिकल्ट, और वो ज्यादा डिफिकल्ट इसलिए है कि सिस्टम्स आ गए हैं और हम सिस्टम्स पे ट्रेन नहीं है, पर्टिकुलरली पीपल ऑफ आवर एज ग्रुप,
जो भी 55 के बाद वाले हैं खास तौर से, जिनके बाल बाल काफी उड़ गए हैं, उनकी हालत खराब है. एंड दे आर मोर ससेप्टिबल टू द रिस्क. तो उनको ये चाहिए कि जो जूनियर्स हैं उनको अपने फोल्ड में लें, जिन्होंने डीजा किया हुआ है, सीसा किया हुआ है, उनको अपने फोल्ड में लें, उनको आगे लगाएं, पार्टनर बनाए, एम्प्लॉय बनाए, उनको अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो, अपना रिस्क सेफ हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर मैं यही समझता रहूं नहीं 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 मैं कर लूंगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, अब मियरली चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये ऑडिट होने वाले नहीं है. हमने ऑडिट किया डिफरेंट एनवायरनमेंट में, अब एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट है. That's all I want to say, friends. Thank you very much for a very, very patient listening. Wonderful audience. Let me put it that way. I always feel pleased whenever I come to Kolkata. I feel EIRC to be a part of my another home somewhere or the other. That's all I can say. मैं जितना नॉर्दर्न में घूमता हूँ उतना EIRC और CIRC में घूमता हूँ. Thank you very much.